मुझे पता है कि शिवाय मेरा बच्चा नहीं है। शिवाय नाजायज है, जिसे अपने खून खानदान नाम पे इतना घमंड है, उसको यह पता चलेगा कि उसकी माँ शक्ति जी की पत्नी नहीं थी। नाम जानना चाहिए उस औरत का। उस औरत का नाम है कमीनी। बड़े भैया से बात हुई? नहीं, वो अभी प्रियंका के साथ है, उसे खाना खिला रहे हैं। जैसे फ्री होंगे मैं बात करूंगी। मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। हम लड़कियां ऐसी होती है ना, पति चाहे कुछ भी करे हम उन्हीं की तरफदारी करते हैं। हाँ, क्योंकि उम्र शिवाय है इतने अच्छे, दिल के तो बहुत अच्छे, पर गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर बैठा रहता है। हम ऐसे बैठे बैठे क्यों बात करें? चलिए चलते चलते बात करते हैं, कसरत भी हो जाएगी। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तीनों भाइयों की बुराई कर रहे थे। तीनों इतने खड़ूस है ना भौजाए, हम बता रहे हैं। गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई खड़ूस नहीं, तीनों बहुत अच्छे। फिर से तरफदार? नहीं, मतलब आपने तो कहा था कि बड़े भैया पत्थर दिल है, क्या कहते, स्टोन सिंह ओबेरॉय। पहले थे वो स्टोन सिंह ओबेरॉय, लेकिन अब वो एकदम स्वीट सिंह ओबेरॉय हो गए। पर हमें अभी भी लगता है कि वो का सब था ताड उनकी तड़ी। हाँ, कि तड़ी देखकर लगता है मैं बहुत गुस्सा है। से पूछाए एक बात बताए, ओमकारा जी भी कुछ कम नहीं है, जब देखो तब सींग निकाल के गुस्सा करते रहते हैं, बिल्कुल नंदी बैल की तरह। मुझे लगता है जो तुम ओम के बारे में बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। और रही बात शिवाय की, तो शायद तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुमने शिवाय का वो बिल्लू जी वाला साइड ही नहीं देखा। बिल्लू जी, जब शिवाय सिंह ओबेरॉय की तड़ी निकल जाती है ना, तो एकदम बिल्लू जी बन जाते हैं। इतने क्यूट लगते हैं ना जब वो बिल्लू जी बन जाते हैं। अच्छा, अब भौजाई बड़े भाई आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, गोली भी खा सकते हैं। तो फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं समझे? शिवाय, अनिका भाभी पूल में गिर गई। गिर गई? अब ठीक हूं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है किसी ने तुम्हें यहां देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम फंस जाओगे। बस मेरे साथ चलो। कहां? चलो। लेकिन मजाक कर रहे हैं। भरोसा है मुझ पे? चलो। प्रियंका,
प्रियंका खाना खा लो। प्रियंका लगता है सो गई है। वैसे भी बहुत डिस्टर्ब थी। आई शुड लेट हर स्लीप। अब हमें चलना चाहिए। अनिका तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? हाँ। जब तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों गिरी तू? मैं नहीं गिरे। मुझे धक्का मार गोरे ने। क्या? हम लोग बस बातें कर रहे थे और उससे अचानक से मुझे धक्का मार दिया। मुझे नहीं पता। समझा ये उन दोनों का ही प्लान है। प्लान? वो हम दोनों बात नहीं कर रहे थे ना तू? अरे कहा जो भी हुआ शिवा, जो भी हुआ ना सब मेरी वजह से हुआ ना। कहता है तू है मेरे जीने की वजह।